हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ ठीक जी, हाँ जी। है भैया। हाँ भैया, मैं पूछ रही थी वो दरबारी इनकी बुक से ना दो टाइम ये स्टार्ट किया है, मतलब जो वो पैकेट नंबर 3 स्वेलिंग पाउडर और पैकेट नंबर 4 कैंसर के ट्रीटमेंट में जो दिया है ना, कि अगर आप ये पूरे 14 पैकेट नहीं कर रहे तो आप वो नीचे दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भैया स्टार्ट करके आज 4th डे हुआ है। मतलब मॉर्निंग में स्वेलिंग पाउडर दे रहे हैं और रात में वो जो कॉम्बिनेशन है, और ट्यूमर के दिन में 2 बार दे रहे हैं, तो ठीक है, ठीक उसमें ऐसे वो अंदर गया है थोड़ा सा है। जो जो। हाँ तो मुझे पूछना था हाँ कि ये जो स्वेलिंग पाउडर है और ये रात वाला पाउडर है, इसके बीच में ये ट्यूमर का देना चाहिए या उसका डोज वापस बढ़ाना चाहिए? नहीं, ट्यूमर का दो, क्योंकि ट्यूमर है ना, काफी बड़ा ट्यूमर है। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्यूमर का दीजिए। कितने बार देना चाहिए भैया उसको दिन में? कम से कम दिन में 3 से 4 बार। अच्छा, 3 से 4 बार। और ये जो कैंसर का डोज है सुबह और रात में, उसके बीच में ये ट्यूमर का 3 से 4 बार। हाँ हाँ, और एक भैया पूछना था, पेज नंबर 176 पे वॉइस का उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है, जिन लोगों की आवाज चली गई तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन से, और लिखा है कि इसका पेस्ट बनाइए और पूरी गर्दन पे लगाकर हॉट फर्मेंटेशन देकर मफलर पहनाइए, तो जी, वो कर सकते हैं क्या भैया? हाँ, जरूर कीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे वॉइस का आपकी मतलब राय से ही मुझे पूछना था कि मैंने वो पढ़ा है कि जिनकी होश है या वॉइस चली गई है, तो ये बायो कॉम्बिनेशन 6 या 7 है टोटल, उसमें उसको फूट पर पेस्ट बनाकर पूरे नेक पे लगाना है और फिर मफलर बांध देना है जी, दिन में 2 बार। तो वो मतलब स्टार्ट करूँ ना भैया? हाँ, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ये पूछना था मुझे डोज का थोड़ा सा, कि कैसे देना है, क्योंकि ये जो बायोकेम कॉम्बिनेशन जब से चालू किया है ना, तो वो जो आंखों के पास में एक ग्रोथ आई थी थोड़ी सी बढ़कर, वो कम हो गई है, और ओवरऑल अभी तो 2 तारीख से स्टार्ट किया है, आज है 14 तारीख, तो 12 दिन में फर्क दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और इसको 15 दिन के बाद रिव्यू करें। तो इसके अलावा कुछ और देना है भैया? बाकी मैंने जो मेडिसिन बताई थी, वो आप मेडिसिन अगर जो होम्योपैथी वाली थी उसको अगर चालू करते तो थोड़ा कुछ कह सकते अच्छा, थे। और वो थूजा 1 ml, थूजा 30, बेलेडोना 30 और हाइट्रिकम 30। हाँ जी, अच्छा, उसका ना मेरे को मतलब मुझे क्या लगा, ये बुक से दिए उसका मुझे रेफरेंस नहीं मिला, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने बोला तो था, वो रेफरेंस मैंने किताबों को पढ़ने के बाद और होम्योपैथी के अपने अध्ययन के आधार पे। अच्छा, हाँ ठीक है। मैं ये तो भैया आज रात में एक बार लगाती हूँ और कल वो पेस्ट गले पर लगाती हूँ, तो मुझे मतलब एक ऐसे उम्मीद लग रही है कि ये बायोकेम से वॉइस वापस रिकवर होने में हेल्प हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है बायोकेमिक्स से। मतलब आपका ही मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि ये देना चाहिए, इसलिए मतलब मुझे डोज भी डिसाइड करने के लिए आपसे मतलब परमिशन ही पूछ रही हूँ कि मैं ये कितने बजे कितने डोज दूँ। नहीं, और वो सही है, कैंसर कॉम्बिनेशन से भैया फर्क दिख रहा है, मतलब वो जी, जो 14 पैकेट अगर देंगे तो उससे तो मुझे लगता है काफी फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर उस तरीके से अगर किया जाए ट्रीटमेंट जो है तो हाँ काफी जी। अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ना कल, मेरी बड़ी बहन है बॉम्बे में रहती है, वो होम्योपैथ डॉक्टर है, तो जी वो कल आने वाली है, तो मैं उसको ये बुक दिखा के, उसकी उसने भी पढ़ी है सिंपलेस्ट रेमेडीज, तो एक बार उससे बात करके फिर वो जो 14 पैकेट का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है दीदी, ठीक, आप दीदी।